लास्ट टाइम में जब मैं फाल्कन में गई थी तब भी मैं लेके आई थी हरे चने जो आते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, चोलिया। तो ये लेके आई थी, तो इसकी सब्जी आज मैं बनाने का सोच रही थी। तो वो जो हरे चने आते हैं ना, हमारे इंडिया में अभी सीजन है आई थिंक, तो बहुत सारी जगहों पे मिलते होंगे, पर यहाँ पे वैसे फ्रेश फ्रेश तो कम मिलते हैं। पर मैं वो फ्रोजन वाले लेके आई थी, वॉश कर दिए, तो सेम टू सेम वैसे ही लग रहे। तो इसकी सब्जी मैं बनाने वाली हूँ आज, देखते हैं कैसी बनती है, बच्चों को पसंद आती है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से धो के रेडी कर दिए है गर्म पानी में, तो बिल्कुल टेस्ट में तो वैसे ही लग रहे हैं। अभी अभी देखते हैं इसकी सब्जी कैसी बनती है। तो आप लोग देख सकते हैं कलर टेक्सचर सब कुछ सेम टू सेम वैसे फ्रेश जैसा ही लग रहा है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। अभी टेस्ट में थोड़ा सा आई थिंक फ्रेश जैसा तो नहीं लगेगा, पर फिर भी क्या करे, जो है वो है, यहाँ पे मिलता है, उसी से काम चलाना पड़ता है। अभी मुझे ये मन हो गया था ये सब्जी खाने का आज, तो सोचा कि बना ही लेती हूँ। तो आदि भाई का पुराना पासपोर्ट आ गया है, कैसे टूट फट के गिरीश दिखा दीजिए, कैसे काट दिया आदि, नाउ यू कांट फ्लाई आदि। तर के जाओ तू फ्लाइट में आदि, क्या जाओ तू, बट वेयर, इंडिया, वेयल्स, ब्यूटीफुल सनसेट, आज का इतना ब्यूटीफुल सा सनसेट है ना, तो मैं बाहर ही आ गई वीडियो लेने के लिए, क्योंकि मुझे ये मिस नहीं करना होता है। मैं हर रोज राह देखती हूँ कि आई विश कि आज थोड़ा सा धूप आ जाए तो मुझे ब्यूटीफुल सा ये सा सनसेट देखने को मिले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, हर को बोल जय श्री राम, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि बहुत ही अच्छे हैं आप सब लोग। तो अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं, पर सूरत की जो हमारी फैमिली है वो सब लोग बीमार है। गिरीश सारिका तो एडमिट हो चुकी है, क्या करें, से बात हुई सुबह सुबह। मम्मी वहां पे बीमार, हमारी मम्मी वहां पे बीमार, सूरत वाले घर में सब लोग बीमार, सारी घर की धरोहर जो है वो जयदीप के हाथ में, अभी देखता है कैसे वो संभालता है घर। क्योंकि बात हुई ना सुबह सुबह, उसका फोटो आया सारिका का, तो मैंने फोन किया, मैंने बोला कैसी है तबीयत वगैरह, तो अभी वो हॉस्पिटल में थी। वो सब कुछ आपको जयदीप के ब्लॉग में आज दिखाई दे ही देगा कि क्या क्या हुआ है वहां पे वो सब कुछ, तो पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। तो अभी ना कुछ भी आई थिंक खाना मतलब डेंजरस है सूरत में, ऐसा फील मुझे होता है। सूरत में क्या पूरा इंडिया में, यहाँ पे मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे वैसे गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना सब कुछ खाना वगैरह, सब केमिकल वो सब मिक्स वाला। हाँ, इंडिया में जिस तरह से अभी सब कुछ हो रहा है डिजीज, उस हिसाब से लगता है कि बहुत ज्यादा वहाँ पर मिक्स सब आ रहा है। क्योंकि सब लोग बीमार हो रहे हैं, फ्रूट्स भी सेफ नहीं है वहाँ पे, ऐसा होता है। यहाँ पे एटलीस्ट फ्रूट्स तो सेफ है कि ये खाए तो इतना ज्यादा लाइक बीमार नहीं पड़ेंगे वो सब कुछ। क्या क्या नहीं खाए और क्या खाए वही नहीं पता चल रहा है वहाँ पे। तो कुक फूड आता है रेस्टोरेंट वाला, वो तो आता ही है खराब, पर जो फ्रूट्स होते हैं उसमें भी केमिकल्स है। आई थिंक शुगर कैन खाई ना, उसकी वजह से सारिका को ये हो गया, मुझे ऐसा फील होता है, बाद में पता नहीं। तो वो काका ने वड़ा पाव क्या कहाँ खाने गए थे, क्या काका ने वड़ा पाव, वीडियो में अच्छे आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा वो वीडियो। तो क्या ना पण होय, पाव भाजी, वड़ा पाव नहीं, पाव भाजी, मे बी कुछ भी हो सकता है। नहीं, उसने वो शुगर कैन शेरडी खाई ना, उसके बाद से हो गया, ऐसा होता है उसको। हाँ, व्हाट यू से, व्हेन दे कमिंग, हूज कमिंग, हिज एंड एवरीबॉडी एल्स, हिज एंड एवरीबॉडी एल्स, व्हेन दे आर कमिंग, आई थिंक इट्स फॉर 1 वीक, आर दे गोना गिव अस सरप्राइज, पहले ठीक हो जाए फिर सरप्राइज दे दिया करेंगे वो लोग। सब लोग बीमार है तो इसीलिए। यहाँ पे शिवांश दिखा रहे अपने डैडी को उसका होमवर्क वगैरह, रोम की हिस्ट्री सब कुछ लिखा है इसमें। हाँ, तो यहाँ पे ना कोई बुक वुक प्रॉपर लाइक होमवर्क की बुक्स जो इन लोगों की लिखने की आती है वो तो आती है अलग, पर वैसे प्रॉपर कोई बुक्स नहीं आती, इस तरह से एक एक पेज दो दो पेज ही दे देते हैं ये लोग, है ना, पूरी सब्जेक्ट हिस्ट्री है। हाँ, रोमन की तो करना है, एंड ऑफ द ईयर जो है वो बुक्स देते हैं। फ्राइडे में आते हैं, हमने स्पेलिंग आते हैं,
ફ્રાઈડે એને મંડે માં અમને સ્પેલિંગ ક્વિઝ આવે એટલે 10 આઉટ ઓફ 10 આવે ને તો મૂવ અપ કરું ઓકે ગુડ હા તો ઇસી તરહ સે ઇન લોગો કે સ્ટડી તો યહાં પે प्राइमरी की तो होती है आगे आगे अभी नेक्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट आने लग जाएगा शिवाश को अब तक तो सब कुछ इजी इजी आ रहा था ईयर फाइव से तो ना शिव को गिरीश कहाँ पर ट्यूशन में कौन सी वाली 11 प्लस के हाँ वो देखेंगे नेक्स्ट ईयर से ट्यूशन क्योंकि अभी तो इस साल से तो भेज सकते हैं पर टाइम का वगैरह का थोड़ा लोचा हो रहा है मैं ढूंढ रही हूँ ऑनलाइन का कुछ मिल जाए ना तो वहाँ पे नहीं जाना पड़े ऑनलाइन का तो ये है अभी तो इसकी हिस्ट्री में क्या लिखा है पता है रोमन की जो यहाँ पर लिखा है रोमन टाउन ऑफ द रताई नाउ इज लेस्टर आज लेस्टर ना थी दुनिया ना कितना लेस्टर आवे ना ना अच्छा ब्रिटेन की हिस्ट्री जो अच्छे जो ओके ये ब्रिटेन के पहले ना यहाँ रोमन की एक कॉलोनी पूरी हुआ करती थी अच्छा ट्राइब यहाँ पर रहते थे देखो उसको क्या बोलते हैं केल्ट्स अ ट्राइब ऑफ पीपल लिविंग इन ब्रिटेन ओह और वो कहाँ पर रहते थे इंग्लैंड के ईस्ट ऑफ ब्रिटेन में रहते थे ट्राइब ऑफ द केल्ट हु लाइव इन द ईस्ट ऑफ ब्रिटेन तो लेस्टर को पहले रताई बोलते थे रताई हम लोग रताई में रहते हैं कौन सी सदी में एडी 160 हाँ तो बहुत साल पुराना है तो फिर अभी हमारा नाम हो गया लेस्टर तो अभी उसको बोलते हैं रिसेंटली उसको बोलते हैं लेस्टर तो ये दवाई वाले फूड के बारे में आप लोगों का क्या कहना है यहाँ सेफ है इंडिया सेफ है कौन सी कंट्री सेफ है हम वहाँ पे मोह हो जाते हैं कोई भी कंट्री सेफ नहीं है केमिकल वगैरह का फूड की कोई भी कंट्री माधोपुरी सेफ है और कुछ सही बात है सही बात है चलो विलेज ही सेफ है बाकी कुछ हाँ क्योंकि वहाँ तो कोई भी यहाँ पर के वहाँ पर भी सेफ नहीं है और जगह पर केमिकल वाला था तो ये हम लोग ऐसा करते हैं माधोपुर में जाते हैं खेत में जो बोएंगे वही खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या खेती बाड़ी करेंगे चलो क्यों फिर फ्रूट नहीं खाना जो फ्रूट उगेगा वही खाना है अपनी खेती अपना गाँव अपना शहर वो करते हैं चलो अपना वही करते हैं खुद का सब कुछ अभी शिव को पूछते हैं शिव माधोपुर जाना है परमानेंट ना परमानेंट तो नहीं वहाँ पे तेरा फार्मर बनना है हमें वहाँ पे परमानेंट हाँ कैन वी डू ना परमानेंट એટલે પછી ત્યાં છે ને આપણે ફાર્મ રાખવાનું કા ફાર્મ તો છે જ પછી તમારા લોકોને બધું કરવાનું ખેતી ને એવું બધું જાવ છે મને ફાર્મર નથી બનવું ફાર્મર નથી બનવું ના ઓકે તો હું ડેરી ફાર્મર બનશું અને તમે લોકો સ્ટડી કરજો ને એવું કરશું ઓકે યસ બીકોઝ we don't know how to do it properly. અમે શીખવાડ્યો ને અમને નહીં આવડતું મને કે આવડે મને બધું ડેડી શીખવાડશે માને ભી લગ જાયગા અચ્છા યાદ દિલાય શિવ ને દેખો શિવ કો યાદ થા पापा इस बार लेके भी गए थे बड़े बड़े हो गए इतने इतने हो गए हैं बड़े बड़े मैं वीडियो में दिखाया था आप लोगों को आई थिंक है ना यस लास्ट ईयर गए थे तब हाँ तो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर अब तो हाँ लास्ट टू लास्ट है 22 में हाँ नहीं मैं लास्ट टाइम गई थी तब पापा लेके गए थे मुझे आप लोग गए थे तब बड़े हो गए हैं तो अभी एक दो साल में लेकिन मैं तो गया नहीं था माधोपुर नहीं गए थे सूरत ही थे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो अभी एक दो साल में आने लग जाएंगे आम फिर हम अपने खेत के आम खाएंगे यहाँ पे अगर आए तो वरना वहाँ जाके खाएंगे एक साल हाँ वहाँ जाके खाएंगे एक साल ऐसा करेंगे है ना तो हमारा आदि तो ना खेती के लायक है देख लीजिए उसको स्टिक वगैरह इतना ज्यादा पसंद है कहाँ पे भी ले अभी भी इतना बड़ा हो गया फिर भी स्टिक नहीं छोड़ता वो तो आज है कुछ काम हम लोगों को बाहर तो बच्चों को छोड़ के स्कूल पे हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं कैसे ऐसे और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ हमारे यहाँ हम बाहर निकले ना निकले कुत्ते बाहर हमारे से पहले निकल जाते हैं सुबह सुबह कार्यक्रम करने के लिए तो निकल ही जाएंगे ना हाँ चलो बॉयज हेलो कहान हेलो आदि बाय बाय हेलो शिवांश बाय बाय तो घर पे वापस आ गए हैं बहुत सारा काम करके मैं थक गए मुझे सो जाना है अभी थोड़ी देर के लिए दोपहर का भी आदत हो गई है क्या काम किया तो अभी मुझे सो जाना है दोपहर की आदत पड़ गई है ना सोने की तो एक आध घंटा मुझे नींद आ जाती है सुबह जल्दी जगती हूँ ना तो इसीलिए ओके हाँ और यहाँ का जो अपडेट है वो यहाँ का जो
छोटा वाला बेड था ना आदि का, वो निकल गया है, तो ये रूम पूरा खाली हो गया है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ तो और रखेंगे है ना? नहीं कुछ भी नहीं, नहीं रखा है। तो आपने तो बोला था बंक बेड लगाना है यहाँ, अब सोचेंगे, अब सोचना है। यस, आपका तो दिन ब दिन चेंज होता जाता है, कब क्या करना है कुछ पता नहीं चलता। नहीं इस रूम में अभी कुछ नहीं लाना है। अच्छा कोई बात नहीं, ये वैसे गैरेज में रहता है, ये क्या बोलते हैं हूवर और वो सब कुछ, पर अभी क्लीन सब कुछ किया था तो इसीलिए यहीं पे है। तो एनीवे अभी बस वीडियो का एंड यहीं पे कर देते हैं, कल मिलते हैं ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी से, और 1,00,000 जल्दी से कर दीजिए। बाय बाय।